दोस्तों नमस्कार। क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ के जूलॉजी के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जनन अंग के बारे में। तो नर जनन अंग में हम बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे टेस्टिस की, प्रेषण की। तो टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या है? टेस्टिस इज नॉट सिंगल स्ट्रक्चर। टेस्टिस इज नॉट सिंगल स्ट्रक्चर, इट हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट। तो एक स्क्रोटम होता है, वृषण कोष होता है, जिसमें क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है। ये टेस्टिस है। और टेस्टिस क्या होती है, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होती है। टेस्टिस में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। लिखा है, टेस्टिस इज नॉट सिंगल स्ट्रक्चर, इट हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट। टेस्टिस क्या होती है, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। लिखा है, हार्मोन एंड स्पर्म आर फॉर्म इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो हार्मोन्स बनते हैं और स्पर्म जो बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, हार्मोन जो बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी टेस्टिस में जो लोब्यूल पाए जाते हैं, टेस्टिस में जो क्या होते हैं, लोब्यूल पाए जाते हैं, लोब्यूल, इन्हीं में क्या होता है, स्पर्म और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल पर टेस्टिस 250। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं ऊपर, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं ऊपर टेस्टिस, यानी प्रत्येक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, मींस लोब्यूल होते हैं। ये क्या है, लोब्यूल है। ये क्या है, ये लोब्यूल है। ये इसकी संख्या कितनी है लोब्यूल की, 250, यानी कि 250 क्या होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में लोब्यूल की संख्या होती है। इन एवरी लोब्यूल 1-3, यानी कि प्रत्येक लोब्यूल में 1-3 क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। प्रत्येक लोब्यूल में कितने पाए जाते हैं, 1-3 क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। रेटी टेस्टिस इज नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स। ये रेटी टेस्टिस क्या होती है, जो छोटी छोटी लोब्यूल से इनसे ट्यूब निकलती है और ट्यूब आकर अंत में एक नेटवर्क बना लेती है, इसे क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। तो हो जाएगा रेटी टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। अब देखें, ये आपकी क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या पाए जा रहे हैं, लोब्यूल पाए जा रहे हैं, इनकी संख्या क्या है, 250 है, और इनसे छोटी छोटी क्या होती है, ट्यूब लगी है। छोटी छोटी क्या है, ट्यूब लगी है। इन ट्यूब को क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। इन ट्यूब को क्या कहेंगे, जो ये लोब्यूल्स हैं, इनकी संख्या क्या है, प्रत्येक टेस्टिस में कितनी है, 250 है। इन लोब्यूल से छोटी पतली पतली क्या नलिकाएं निकली हैं, नली निकली है, ट्यूबुलाई निकली है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। अब ये नलिकाएं जाकर के ट्यूब आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं और एक नेटवर्क बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब रेटी टेस्टिस क्या होती है, रेटी टेस्टिस सब मिलकर क्या बनाती हैं, इपीडिडाइमिस। क्या बनाती हैं, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस आगे चल के क्या बनाती है, वास डिफरेंस। क्या बनाती है, वास डिफरेंस। अब जो रेटी टेस्टिस से नलिकाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वास इफरेंट, वासा इफरेंसिया। क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया कहते हैं। अब जो इपीडिडाइमिस कहां से निकली है, वासा इफरेंसिया के मिलने से क्या बनी, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस क्या होती है, आगे बढ़ के वास डिफरेंस बन जाती है और जा करके क्या होती है, यूरेटर, यूरेटर को क्या होती है, यूरेटर के पीछे से क्या करके घूम करके आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टेस्टिस है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला तो क्या है, स्क्रोटम है, जो टेस्टिस को घेरे रहता है। स्क्रोटम के अंदर क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है।
और टेस्टिस के अंदर क्या होती है, लोबेल्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या क्या होती है 250 होती है। और इन्हीं लोबेल्स में क्या होता है स्पर्म, इन्हीं लोबेल्स में क्या होता है स्पर्म और हार्मोन्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और हार्मोन्स क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म और हार्मोन क्या होते हैं, ये जो पतली पतली नलिकाएं लगी हुई है जिसे क्या कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से होती हुई कहाँ जाएंगी रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से वासरफ्रेंसिया, से वासरफ्रेंसिया जाके मिलकर क्या बनाएगी इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस आगे चल के क्या बनाती है वासा डिफरेंसिया, ऐसे करके क्या होती है आगे स्पर्म और हार्मोन्स क्या होते हैं सिक्रिएट होकर आगे के जाते हैं। इसके आगे की संरचना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।